हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्लैक पैंथर के नए ट्रेलर के बाद ये सवाल बहुतों के मन में आया होगा एंड कुछ सवाल मेरे मन में भी आए, जैसे कि वाकांडा जब एक लैंड लॉक्ड कंट्री है फिर ट्रेलर में वाकांडा डूब कैसे रहा है। तो आओ आज इन सभी सवालों का जवाब देखा जाए। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1, इस ससुरा तालोकान है क्या चीज? तो गाइस, जैसा कि हम सब इस बात को जानते हैं कि सिनेमैटिक एडाप्टेशंस में DCEU पहले ही एटलांटिस को दिखा चुका है और यही रीजन रहा कि MCU अपने सबमरीनर के कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया और अब MCU में एटलांटिस के जगह है टालोकान और वहां के लोग अपने किंग नेमर को कुकुल कान कहते हैं, जो कि पूरी तरह एजटेक लोर पे बेस्ड लगती है। तो ट्रेलर में जैसे कि एम्बाकू ने द फेदर्ड सर्पेंट गॉड कहा, मेरे दिमाग में एक ही चीज स्ट्राइक और वो थी मिस कोबायाशी ड्रैगन मेड से लूकोआ, क्योंकि उसमें भी लूकोआ ने बताया था कि उसे एंशिएंट टाइम्स में लोग फेदर्ड सर्पेंट कहते थे। तो कुकुल कान बेसिकली एक मायन नेम है, बट इसका एजटेक इक्विवेलेंट है केट्जल कोटल, जो कि एजटेक लोर में वाटर, विंड और विजडम का गॉड है एंड ये एक बहुत 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 बड़ा सर्पेंट है। बट इंटरेस्टिंग बात है टालोकान का नाम, टालोकान नेम एजटेक सिटी ऑफ पैराडाइस लालुकान पे पड़ा है, जो कि एजटेक स्टॉर्म गॉड का अबोर्ड भी था। तो देखा जाए तो MCU एजटेक लोर को पूरी तरह कैपिटलाइज कर चुका है अपने अटलांटिस को दिखाने के लिए। नाउ सवाल नंबर 2, नेमर आखिर क्यों लड़ रहा है वाकांडा से? तो इस बात का एक्चुअली एक काफी पॉलिटिकल जवाब है। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखोगे और समझोगे, देन आपको एक पैटर्न दिखेगा कि 2 पावरफुल नेशंस कैन नेवर बी फ्रेंड्स, जब तक उनके पास म्यूचुअल बेनिफिट के मकसद ना हो। एंड अगर ऐसा नहीं रहता, देन वो 2 नेशंस के रिश्ते कभी सही नहीं होते एंड 2 नेशंस ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस ईच अदर आउट, कोई एक दूसरे को ऊपर नहीं उठने देता। सो अगर इस पैटर्न को देखा जाए, देन हम अभी तक ये नहीं जानते कि वाकांडा का पास्ट क्या रहा है। हो सकता है वाकांडा पास्ट में एक एग्रेसर पॉलिसी भी रखा हो, हो सकता है कि वाकांडा के फर्दर एक्सपेडिशंस रहे हों जिससे वो अपने पावर को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंसोलिडेट कर सके और इस पावर कंसोलिडेशन और इन एम्बिशियस एक्सपेडिशंस के चलते वो टालोकान के लोगों से भी भिड़ गया हो। कॉज आपके इतने प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे पावरफुल नेशन का प्रेजेंस आपके सिक्योरिटी के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट होता ही होता है। अब ये सब मैं बिल्कुल मूवी एडाप्टेशंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, कॉज MCU कॉमिक से तो बिल्कुल अलग कर चुका है एटलांटिस के कॉन्सेप्ट को। सो कॉमिक वाली दुश्मनी अब MCU में लागू नहीं होती। ऊपर से एम्बाकू जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि हम उनके लीडर को अगर मारे तो एक इटर्नल वॉर पैदा हो जाएगा, जो कि साफ साफ ये बता रहा है कि वाकांडन टालोकान के लोगों को काफ़ी अच्छे से जानते हैं और वो कितने खतरनाक हो सकते हैं ये भी जानते हैं, जिसका साफ साफ इशारा है कि पास्ट में भी वाकांडा और टालोकान की भिड़ंत हो चुकी है। नाउ सवाल नंबर 3, वाकांडा तक पानी पहुंचा कैसे? तो अगर हम वाकांडा की लोकेशन देखें MCU के अफ्रीका में, तो वाकांडा बेसिकली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, बट वाकांडा जितना एडवांस्ड कंट्री है, एक कोस्ट लाइन ना रखना एक काफी अजीब बात है, क्योंकि अगर तुम जियोपॉलिटिकल रीजंस देखोगे तो एक कंट्री के लिए सी एक्सेस काफी बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि इससे ना ही सिर्फ मैरीटाइम ट्रेड एक्सेस मिलता है बल्कि आपको ओशियन के रिसोर्सेस का भी एक्सेस मिल जाता है। तो फिर इतिहास का वो वक्त जब वाइब्रेनियम मेटोराइट गिरने के बाद सभी ट्राइब्स मिलकर वाकांडा की सीमा का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने वाकांडा के स्ट्रेच को इतना बड़ा क्यों नहीं बनाया कि उन्हें सी का भी एक्सेस मिल जाए? उसका जवाब है टालोकान का एग्जिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब सेंचुरी पास्ट में वाकांडा खुद को स्ट्रेच करता भी तो वो ओशियन तक पहुंचते, बट ओशियन तक पहुंचने के बाद उन्हें ट्रेड या रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं बल्कि एक फॉर्मिडेबल नेबर मिल जाता, जो कि पावर में ऑलमोस्ट वाकांडा का राइवल था और शायद वाकांडा और टालोकान की भिड़ंत भी हुई हो। और अच्छी कूटनीति यही होती है कि आप अपने पोटेंशियल एनिमीज को जितना दूर रख सको उतना अच्छा, और यही रीजन हो सकता है कि वाकांडा अपने स्ट्रेच को कम कर दिया और खुद के नेशन और सी लाइन यानी टालोकान के बीच एक बफर जोन
जोन क्रिएट कर दिया कि अगर तालोकान को यहाँ आना हो देन ये एक और कंट्री को पार करके आना होगा। बट ट्रेलर में हम देख चुके हैं कि समंदर का पानी वकांडा आ चुका है, यानी वकांडा डूब रहा है, यानी नेमर इतना बड़ा एरिया लांग के सब कुछ डुबाता हुआ यहाँ तक आ गया है। सो उसने ऐसा किया क्यों? एंड ये देता है मेरे फोर्थ क्वेश्चन को कि क्या डॉक्टर डूम मूवी में होगा? तो भाई जिस हिसाब से मैंने चीजें डिस्कस करी हैं देन डॉक्टर डूम मूवी में हो सकता है, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, नेमर वकांडा तक पानी लाने का एक्सट्रीम स्टैंड तभी ले सकता है जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो, यानी कोई आपको रीजंस दे के उकसाए। और वैसे भी दो पावरफुल किंगडम्स, एक तालुकान और एक वकांडा, अगर ये दोनों लड़ेंगे देन किसी ना किसी का तो फायदा हो सकता है, और वो होगा किसी दूसरे सुपर पावर किंगडम का, क्योंकि उसके दो मेन राइवल तो खत्म हो जाएंगे या फिर इतने वीक पड़ जाएंगे कि वो फिर चैलेंज करने लायक ना बचे, और वो तीसरा पावरफुल किंगडम होगा कंट्री ऑफ लातवेरिया अंडर विक्टर वॉन डूम। हम जानते हैं कि डूम एक साइंटिस्ट था, बट एमसीयू को उसके वो टिपिकल ओरिजिन को अब नहीं दिखाना चाहिए, कॉज वैसे भी लोग दो बार उसे देख चुके हैं और पक चुके हैं। एमसीयू को डूम के दूसरे एस्पेक्ट से शुरू करनी चाहिए, जैसे डॉक्टर डूम एज अ पॉलिटिकल स्टेट्समैन या फिर एक रूलर जो कि यूनाइटेड नेशंस में क्वीन रेमोंडा को टारगेट करे। कॉज देखो यार, वकांडा का कमजोर पड़ना डॉक्टर डूम के लिए विन विन सिचुएशन है। एक तो लातवेरिया का फिर कोई राइवल नहीं बचेगा, ऊपर से अगर वकांडा कमजोर पड़ता है या फिर हार जाता है देन डॉक्टर डूम आसानी से वाइब्रेनियम एक्सप्लॉयटेशन पे निकल सकता है। एंड ये तो कॉमिक्स में भी था कि डूम की हमेशा से वकांडा के वाइब्रेनियम पे नजर रही है। एंड बीइंग अ स्टेट्समैन, डूम जानता होगा कि जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा वो कंट्री उतना ही बड़ा सुपर पावर। तो इस वजह से हो सकता है कि डूम वकांडा के इतिहास को खो दे और उसे वकांडा के इस पुराने लफड़े का पता चल जाए और फिर वो तालुकान को बस दोबारा रीइग्नाइट कर दे अपनी दुश्मनी जगाने को, और फिर तालुकान वकांडा के वीक फेज यानी बिना किंग के सोच के उस पे हमला कर दे। अब देखो यार, मैंने ये सब पॉलिटिकल और एक्चुअली रियलिटी बेस्ड एंगल इसलिए रखा है कॉज हम जानते हैं कि वकांडा अब दुनिया के सामने ओपन हो चुका है और अब वो यूनाइटेड नेशंस में भी शामिल हो रहा है एज गरीब नहीं बल्कि एक एडवांस्ड कंट्री के तरह। तो वकांडा के इन डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशंस वाले एस्पेक्ट को दिखाना चाहिए, कॉज सुपर हीरो स्टफ इज कूल, बट जब आप उसे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बेस कर देते हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी दिखाते हो और एक बेटर पॉलिटिकल प्लेयर बनते हुए दिखाते हो देन मूवी इंपैक्टफुल बन जाती है। सबसे प्राइम एग्जांपल दूं, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी देख लो, तो सुपरनैचुरल जंग के साथ साथ सियासी दांव पेंच ये भला कौन नहीं देखना चाहेगा। पीस।